हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 के नए ड्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस ड्राफ्ट में क्या नया है, पुराने ड्राफ्ट में क्या दिक्कत थी, इसके बारे में पूरा विवरण आज इस वीडियो में दिया जाएगा। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 के ड्राफ्ट को जारी किया है। हालांकि अभी फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है, परंतु गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके कुछ रूल्स की वजह से इसका विरोध हो रहा है। इंडिया ने 1972 में एनवायरमेंट पर हुए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर किए हैं और इसी के तहत गवर्नमेंट ने 1974 में वाटर पॉल्यूशन पे और 1981 में एयर पॉल्यूशन पे एक्ट बनाया है। किंतु 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से सरकार को ये महसूस हुआ कि अब एक नए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है और उसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना गया। इसी एक्ट के तहत 1994 में पहली बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के क्राइटेरिया को तैयार किया गया जो नेचुरल रिसोर्सेज तक लोगों की पहुंच, उसका उपयोग और पॉल्यूशन कंट्रोल करने की एक्टिविटी को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। हर प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए EIA के क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। 1994 में बने EIA क्राइटेरिया को EIA 2006 में बदल दिया गया। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बने इस कानून का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों द्वारा बहुत मिसयूज किया गया है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ज्यादातर कंपनियां एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एनवायरमेंट पर रिपोर्ट बनाने वाली अलग अलग एजेंसियों का हवाला देती है, बट ज्यादातर ये एजेंसियां सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी का इश्यू खड़ा होता है। दूसरी दिक्कत है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कंडीशन की एक लंबी लिस्ट है। अब हर एक कंडीशन को चेक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कमी है और इसी बीच लॉ को बार बार अमेंड किया जाता है और इसी वजह से कंपनीज को लीगल स्क्रूटिनी से मुक्ति मिल जाती है। तीसरी दिक्कत इंडस्ट्रीज की है। इंडस्ट्रीज को लगता है कि यह लॉ लिबरलाइजेशन की भावना को कम करता है और करप्शन और हफ्ताखोरी को बढ़ावा देता है और इन्हीं दिक्कतों की वजह से गवर्नमेंट ने इस साल के शुरुआत में नया ड्राफ्ट लाने की घोषणा की है। सरकार का मानना यह है कि 2006 के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले आए हैं जिनको इस ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा और सरकार का मानना यह है कि इस नए ड्राफ्ट को ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने पुरानी ड्राफ्ट की कमियां को दूर करने के लिए नया ड्राफ्ट लाने की बात की थी, परंतु नया ड्राफ्ट ना तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करता है और ना ही इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन करता है। ऊपर से इस ड्राफ्ट के कुछ नियम पूरी सिचुएशन को ज्यादा सीरियस बना देते हैं और ये ड्राफ्ट सिर्फ गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पावर को बढ़ावा देने का काम करती है। यह ड्राफ्ट पब्लिक हियरिंग की लिमिट को 30 दिन से घटाकर 20 दिन करता है। अब 20 दिन के अंदर कोई प्रोजेक्ट की सारी डिटेल को कलेक्ट करना, उसके एनवायरमेंट पर हो रहे इंपैक्ट को एनालिसिस करना और उसके बाद लीगल इश्यू को रेज करने के लिए ये 20 दिन बहुत कम है। वैसे तो पुराने 30 दिन भी कम थे, जिस दिन को बढ़ाना चाहिए था उसकी जगह इस दिनों को कम कर दिया गया है। दूसरी दिक्कत पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है। इस नियम में उन कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा जो अब तक पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करती आई है। उसके लिए ऐसी कंपनियों के पास दो रास्ते हैं, या तो वो पर्यावरणीय नुकसान का 1.5 से 2 गुना फाइन भर दे या खुद को जो इकोनॉमिक फायदा हुआ है उसका 1.5 से 2 गुना फाइन भरे। उनको लेट फीस के तौर पे 2,000 से लेके 10,000 तक पर डे फाइन देना पड़ेगा। अब इसमें क्या दिक्कत है ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सैंड माइनर है जो न जाने हर रोज कितने ट्रकों को लोड करता है। अब उसके लिए यह पेनल्टी न के बराबर है और इसमें भी जब उसको लगेगा कि वो पकड़ा जा सकता है तब वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा और पेनल्टी के तौर पे फाइन देके खुद को बचा सकता है, पर इससे पर्यावरण को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती। और उसमें भी अगर वो 5 साल से इलीगल माइनिंग कर रहा है और वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके सिर्फ 1 या 2 महीने का फाइन भर के खुद को बचा लेगा, ऐसे तो ऐसे माइनर्स के लिए यह लॉ वरदान के जैसा है। तीसरी दिक्कत यह है कि इस ड्राफ्ट को रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश नहीं किया जा रहा है,
यह ड्राफ्ट सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में आएगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि उनसे सरकार कुछ छुपा रही है। सरकार के नियम लोगों तक उन्हीं के भाषा में पहुंचे ये जरूरी है, तभी ही लोगों और सरकार के बीच में ट्रस्ट कायम हो सकता है। चौथी दिक्कत यह है कि इस ड्राफ्ट में एक B2 कैटेगरी को ऐड किया गया है। इस कैटेगरी के तहत आने वाले प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के क्लियरेंस से छुट्टी मिल जाती है। यह नियम एक तरह से पर्यावरण के नुकसान को बढ़ावा देगी। इस लिस्ट के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं उसकी लिस्ट देखते हैं। ऑफशोर एंड कोस्टल ऑयल के प्रोजेक्ट, इंडियन वाटरवेज के प्रोजेक्ट, सर्च ऑफ गैस एंड शेल, 25 मेगावाट तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 2000 से 10,000 हेक्टर के बीच के सिंचाई परियोजना, फर्नेस यूनिट, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है इस लिस्ट में। पांचवी दिक्कत यह है कि सरकार ने अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी स्ट्रेटेजिक टैग देना शुरू कर दिया है। अब तक जो प्रोजेक्ट मिलिट्री या देश की सिक्योरिटी से संबंधित होते थे उनको ही सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बोला जाता था, पर अब गवर्नमेंट ने बोला है कि और भी प्रोजेक्ट को इसके तहत शामिल किया जाएगा। इसके तहत सरकार ने बोला है कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक बन रहे प्रोजेक्ट के लिए कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं की जाएगी, पर यह नियम के तहत पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर हो जाएगा। मतलब वहां की जनता से सलाह मशवरे किए बिना सरकार मनमाने तरीके से वहां प्रोजेक्ट बना सकती है। यह वहां की जातीय और जनजातीय ट्राइब्स के हकों को छीनने जैसा है। EIA 2020 के ड्राफ्ट को लेके मेरे सरकार से कुछ सुझाव है। सरकार को पब्लिक हियरिंग को बढ़ावा देना चाहिए और उसके तहत सरकार ने जो पब्लिक हियरिंग की लिमिट 30 दिन से घटाकर 20 दिन की है उसकी जगह सरकार को इसको 60 दिन तक बढ़ाना चाहिए। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पे अभी और काम करने की जरूरत है ताकि उसके लूप होल्स को कम किया जा सके। इस ड्राफ्ट को सभी भाषाओं में पब्लिश करना चाहिए ताकि लोगों तक ड्राफ्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं की भाषा में पहुंच पाए और उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन को फुलफिल किया जा सके। इस ड्राफ्ट का मकसद एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, बट पर्यावरण के नुकसान की कीमत पर नहीं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 के ड्राफ्ट को लेकर अगर आपके भी कुछ सुझाव है तो प्लीज कमेंट करें।